सर्वर्डिनो काउंटी को हमने क्रॉस किया है और आपको ट्रैफिक नजर आ रही है। आई मीन के आपको पता है स्टार्टिंग डेज कैसे होते हैं, हर चीज नई नई लगती है। तो मस्जिद सबसे बेस्ट और बेहतरीन अदारा होता है जो आपकी अल्लाह के पास आपको लेके जाता है। तो जहाँ भी रहें मैजा मुसलमान हमेशा मस्जिद के पास रहें। सीखने सिखाने की बात होती है यहाँ पर। इस्लाम हमारा इतना खूबसूरत हमेशा दर्स देता है। जी हम लोग एक बड़े एक्साइटिंग बेहतरीन रेस्टोरेंट पे पहुंचे हैं जो ऑथेंटिक बुंदू खान है, कराची स्टाइल वाले। मैंने दीवान स्ट्रीट से शिकागो से भी लुक एट दिस फूड गाइस, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, मलाई बोटी, गोला। ये देखें जनाब, अभी हम आपको एक और सोलर दें। आपको लाइटें नज़र आ रही हैं चलती हुई, ये सोलर सिटी दिखाते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये वाला कि आपको ये लाइट्स नज़र आ रही हैं ना, पता नहीं कितने एकड़स पे ये मौजूद है। सारा का सारा हम लोग जा रहे हैं कैलिफोर्निया की तरफ, नवाडा से होते हुए, तो ये रास्ते में नज़र आ रहे हैं हमें इतने बड़े बड़े सोलर पैनल्स वगैरह। रोड चेक करें, ये सारा का सारा खूबसूरत नज़ारा ये वाला। लाइट देखें कितनी बड़ी लाइट चमका रही है, चमक रही है यहाँ पे। देखी है आपने, ये देखें यार, मैं तो इस पैनल को, टावर को देख देख के हैरान हो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। वेलकम टू द कैलिफोर्निया सर जी, नवाडा से हम लोग कैलिफोर्निया दाखिल हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये जनाब आपका कैलिफोर्निया। ये देखें लॉस एंजलिस की तरफ हम रवा दवाएं, और मैं आपको वहाँ पे जाके रंग बिरंगी चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि मैं तकरीबन 4-4.5 साल कैलिफोर्निया रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह अपने अबाई उन जगह पे ज़रूर जाऊंगा जहाँ मेरा वक़्त गुजरा है। पुराना अपार्टमेंट, वो खाने, वो रेस्टोरेंट्स, वो सारे दोस्त अजीज अकारब बताऊंगा। और बहुत गोल्डन स्टेट रही है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। स्टार्टिंग की हसलिंग थी, स्टार्टिंग के वक्त था, और मसाजिद का जो मामला था वो सारा इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगा। रोड में आपको दिखाऊं किस तरीके से जा रहा है। ये देखें जी, ये है जी कैलिफोर्निया। आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, नवादा यूटा में कम लोग थे, बहुत कम ट्रैफिक थी। यहाँ पे आप देखें ट्रैफिक कहाँ से स्टार्ट हो रही है और बरोबर है काम, वो देखें ट्रैफिक देखिए। ये है जी कैलिफोर्निया। हम लोग चलते चलते एनाहाइम डिज्नीलैंड के एरिए जहाँ हमने वक़्त गुजारा जा रहे हैं। ये सर्वर्डिनो काउंटी को हमने क्रॉस किया है और आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है। वी आर स्टिल ऑलमोस्ट 50 miles अवे फ्राम आवर डेस्टिनेशन। ये देखें ये गाड़ियों की ट्रैफिक देखें आप, और लाइन कहाँ से लगी है, कहाँ तक जा रही है, और मैं आपको वो अगली लाइन भी दिखाता हूँ, वो देखें आप। ठीक है, ओहो खूबसूरत नज़ारे हैं ये, खूबसूरत नज़ारे हैं ये देखें। लाजवाब नज़ारा जी। अल्हम्दुलिल्लाह नवाडा से कैलिफोर्निया पहुँचे, ये मेरा होम टाउन है सर। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आज तकरीबन 11 साल बाद 2008 से 2012 यहाँ निकाला, 2012 से 2023 तक वर्जीनिया में मुकीम है। जो फीलिंग मेरी आज मैं आपको बता नहीं सकता। ये मस्जिद इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरेंज काउंटी,
डिज्नीलैंड के करीब एनाहाइम एक इलाका है, ऑरेंज काउंटी है, यहाँ पे मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इशात आज तक मुझे याद है कि हम हर हफ्ते एक चार पांच बंदे मुसलमान होते देखते थे। लार ऑफ स्पेनिश माशाल्लाह मुसलमान हुए यहाँ पे, और हमारी अल्लाह करीम सब की इबादत कबूल फरमाए। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। क्रॉस द स्ट्रीट अपार्टमेंट था जहाँ हम रहा करते थे, और बड़े के आपको पता है स्टार्टिंग डेज कैसे होते हैं, हर चीज़ नई नई लगती है। तो मस्जिद सबसे बेस्ट और बेहतरीन अदारा होता है जो आपकी अल्लाह के पास आपको लेके जाता है। तो जहाँ भी रहें एज आ मुसलमान हमेशा मस्जिद के पास रहें। मैं भी आपको अंदर से दिखाता हूँ ये माशाल्लाह कैसी है, और मैं आपको और जगह पे भी लेके जाऊँगा। ये मेरे सारा इलाका है जहाँ मैंने चार पाँच साल गुजारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे हम नमाज अदा करते थे, बड़ी खूबसूरत। ये बैक साइड थी, कई दफ़ा मैंने यहाँ पे अलर्टोस मैक्सिकन हलाल के बूथ भी लगाए जहाँ हम हलाल खाना बेचते थे, बच्चे खेलते थे, फैमिलीज़ के साथ आते थे। ये देखें, हमेशा सीखने सिखाने की बात होती है यहाँ पे। इस्लाम हमारा इतना खूबसूरत है, हमेशा दर्स देता है, इतना खूबसूरत मज़हब है हमारा। ये देखें ईमान का तकाजा। ये बाहर से एक और खूबसूरत व्यू। ये वो अपार्टमेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सामने रहा करते थे, फैमिली भी और कुछ दोस्त भी। बड़ी अच्छी यादें हैं, मैं अपने दोस्त को टैग भी करूंगा। यहाँ पे मेरे दोस्त हुमायूं भाई, फैसल और हुसैन तो यहाँ से क्रॉस करके आते थे। ये वक्त वो था जब हमने 2010-11 के बाद यहाँ पे रहना शुरू किया। उससे पहले जो स्टार्टिंग के डेज से मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा इंशाल्लाह। जी हम लोग एक बड़े एक्साइटिंग बेहतरीन रेस्टोरेंट पे पहुँचे हैं जो ऑथेंटिक बुंदू खान है, कराची स्टाइल वाले। मैंने दीवान स्ट्रीट से, शिकागो से भी खाया, लेकिन मैं अंदर जो सेटअप देख के आया हूँ जो मुझे वेरी इंप्रेस किया है। लॉट ऑफ गुड स्टफ हियर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या सिलसिले हैं आज मेरे साथ। मैं आपको बताऊं, ये बुंदू खान फुलरटन कॉलेज के करीब कैलिफोर्निया में एनाहाइम के करीब वाक़ है। अंदर रश देखें आप, इधर आए पहले आपको मैं मेन्यू दिखाता हूं। ये देखें बुंदू खान अलहाज 1948 की दुकान है यार, बड़ा रीजनेबल प्राइस है, बड़ा मुनासिब है। हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, डेफिनेटली सिग्नेचर चिकन टिक्का, सीख कबाब, गोला कबाब, बटावर तो मेन्यू में था वो चीज़ें दी हैं। एक सबसे इम्प्रेसिव चीज़ बताता हूँ, इधर आए सारी ड्रिंक चेक करें, और चटनी मांगने का कोई पैसे नहीं है, खुली चटनी पड़ी हुई है। एक अच्छी सोच, क्योंकि ये चटनी के बगैर बुंदू खान का खाना अधूरा है। ये जो इमली की चटनी है और ये जो चटनी है ना, इसके बगैर अधूरा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ें दिखाता हूँ, मेरे साथ रहें आप। कैसे लाइव बारबेक्यू लगी हुई है, ये देखें इतनी रश, बेहतरीन खाना, लाइव एवरीथिंग यू कैन सी हियर। लुक एट दिस फूड गाइस, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, मलाई बोटी, गोला कबाब, चिकन टिक्का, नान, गार्लिक नान एंड वन ऑफ माय फेवरेट, शहजादा।
अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन डन हुआ और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कैलिफोर्निया एनाहाइम में। बैक डोर